मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, बहुत बुरा है। पेपे, क्या तुम तैर सकते हो? मैं समझ गया पेप, वहां तक उड़ के जाना मुश्किल है। पर हम सब इतने सारे हैं। मुझे लगता है मुझे ही जाना होगा। चलो चलते हैं, जल्दी करो। मैं उस मेटोर रॉक को वापस लाके रहूंगा। वो जा रहे हैं, अब मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी मदद की कदर करता हूँ। कैप्टन संभल कर। मैं उन्हें रोक भी नहीं सकता। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। सॉरी पड़ी, चलो अपनी पूरी कोशिश करो। लगता है ये इसकी टॉप स्पीड है, इससे ज्यादा तेज नहीं चल सकता। अरे ये तो बहुत ही क्लोज था। अपना ख्याल रखना। बाल बाल बचे। सर हम जल्दी वहां पर पहुंचने वाले हैं। मैं कसम खाता हूं आज के बाद हेलीकॉप्टर पर कभी नहीं बैठूंगा। चलो हम लैंडिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। सर हम मेलवे सर के बिल्डिंग के अंदर जाने वाले हैं। बताइए ना सर, क्या मेलवे सर वहां पर होंगे? देखिए सर, उन्होंने हमारे लिए वेलकम पार्टी भी अरेंज की है। सर वो रहा मेलवे सर, हम उसके प्लान नहीं जानते। शरीफ आपको उससे बचकर रहना चाहिए। मुझे उन लोगों से नफरत है जो लेट आते हैं। वेलकम वेलकम। सॉरी मुझे आने में देर हो गई, मैं लेट हो गया हूँ। प्लीज आप सॉरी मत बोलिए, आप यहाँ के शेरिफ हैं और आप पर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने की। मैंने तो बस थोड़ी देर वेट किया। थैंक यू। बिल्कुल नहीं, आइए इस तरफ। कितना गंदा है। वेलकम। हे शेरिफ, चीयर्स। काफी सुंदर है ना, 25 बिलियन पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया इसे बनाने में। दुनिया की सबसे मैग्निफिशेंट बिल्डिंग है। आइए इस तरफ।
आपका मेरी दुनिया में स्वागत है शरीफ। यह है माइक्रोवेव असेंबली का हेडक्वार्टर्स। ये कौन है? ओह, वो स्टैच्यू मेरे स्वर्गीय फादर माली हैं। माइक्रोवेव असेंबली के फाउंडर थे। उन्होंने असेंबली का आविष्कार किया था। वो एक जीनियस मास्टर और डिक्टेटर थे। मैं मजाक कर रहा हूँ, वो एक ग्रेट इंसान थे, पर जब बात मैनेजमेंट की हो तो मैं सुपीरियर हूँ। मेरे साथ आइए, कुछ और इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। इस तरफ यह है मेरा डिसइंफेक्शन हॉल। मेरे सभी एम्प्लॉयज और गेस्ट को प्रोडक्शन लाइन में जाने से पहले इससे गुजरना पड़ता है। मेरे डिमांड्स कुछ हाई है, खासकर सैनिटेशन और मेंटेनेंस में। आपने देखा ना, लेकिन शरीफ मैं आपको बता दूं कि ये चीज अब पुरानी हो चुकी है, क्योंकि अब हमने ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम? आप जो देख रहे हैं वो एक माइक्रोवेव असेंबली ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है। जरा एक नजर यहाँ डालिए। जब से हमने ये न्यू सिस्टम लगाया है, हम अपना कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। हम मैन पावर को भी 80% कम कर सकते हैं। अब हम इतना आउटपुट देते हैं जो मेरे फादर की एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा है। हे हीरो, रुको कुछ देर, मैं थक चुका हूँ। वेट, शांत रहो। क्या है? मुझे लगता है वो वापस आ रहे हैं। मुझको ह्यूमंस की स्मेल आ रही है। मुझे कैप्टन और दूसरे लोगों की चिंता हो रही है। मुझे उस जेलीफिश पर भरोसा नहीं है। रुक जाओ, ये सच में ह्यूमंस हैं। तुम्हारा फ्रेंड हमारे कैप्टन के साथ गया है। वो उस बड़ी बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। सब लोग भागो यहाँ से। तुम बचोगे नहीं। रोना बंद करो, छोटे पंख का बताओ
तुम अपनी जेली फिश को कहाँ रखते हो? हाँ हीरो। जेलीफिश और कैप्टन उस बिल्डिंग की तरफ गए हैं। पता नहीं उनका प्लान क्या है। वेल, क्या ये सच है? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे इसके अलावा सच में कुछ नहीं पता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लगता है ये सच बोल रहा है। एंडी, चलो चले। ये क्या हो रहा है? पीपी, तुम कर सकते हो, हम बस पहुंच गए हैं, सिर्फ कुछ दूर और। तुम कुछ भी करो, लेकिन उसे छोड़ना मत, समझे? मैं ट्राई कर रहा हूँ, पर ज्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगा। देखो वहाँ पर एयर वेंट है, राइट साइड पे हमारे, मेरे तीन गिनने पर हम वहाँ कूद जाएंगे, ठीक है? चलो, एक दो तीन, चलो। ये क्या हो रहा है? मैं फंस गया हूँ। बाल बाल बचाओ। क्या हम एक दूसरे से सच बोले? आज आपने मुझे इनविटेशन सिर्फ बस फैक्ट्री देखने के लिए ही बुलाया है। आप अभी भी एक डिटेक्टिव ही हैं शेरिफ। हाँ, मैंने आपसे कुछ डिस्कस करने के लिए यहाँ आपको बुलाया था। मैंने सुना है पुलिस डिपार्टमेंट असेंबली आर्म्स इंस्टॉलिंग पर रिसर्च कर रही है। लगता है मेलवे तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल रही है, और अब वो फर्स्ट जनरेशन एक्स फ्री पूरी तरह से तैयार है फील्ड में। क्यों नहीं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स के सामने तुम्हारे एक्स फ्री मशीन बच्चों के टॉयज लगते हैं। हम और भी आगे की सोच रहे हैं और एक्सपांड करके डिफेंस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। क्या तुम वो सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? मेरा ऐसा प्लान है कि पुलिस डिपार्टमेंट हमारी बनाई हुई चीजें यूज करे फ्यूचर में। मैं जाता हूँ, मुझे कुछ काम है। कुछ ह्यूमंस हैं। हम इतना जरूर जानते हैं कि हम जो भी सामान आपकी पुलिस फोर्स को देंगे उसकी क्वालिटी परफेक्ट होगी। आपको क्या लगता है शेरिफ? हैं? ओ, हाँ, नहीं, हम चले। वाह दोस्त, मुझे नहीं मालूम था तुम ऐसा भी कर सकते हो। मुझे बताओ उन्होंने वो रॉक कहाँ छुपाए हैं? ठीक है, मुझे देखने दो। डाटा के आधार पर वो किसी सीक्रेट रिसर्च लैब में है। क्या उनका सीक्रेट लैब है? हाँ,
सर। मेलविस सर। मुझे सीक्रेट लैब का रास्ता बताओ। हाँ, आगे से राइट ले लीजिएगा। क्या बात कर रहे हो, वो तो बेसमेंट की ओर रास्ता है। अरे ठीक है, क्या करना है। हे पेपे, चलो। सच में इस कंपनी में सीक्रेट लैब है? अबे मैंने तो किसी के मुंह से सुना था, क्या पता सच है कि नहीं। अच्छा हुआ कि मैंने इन दोनों को जल्दी से पकड़ लिया, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाती। यहाँ क्या हो रहा है, कौन है ये दोनों? मैं स्विमिंग कर रहा था। चलो इधर आओ बच्चे। नहीं रुको। मिस्टर मेलवे। ठीक है सर। ये लीजिए। पहले आप सर। इस तरफ जल्दी संभल कर। यही है पोर्ट लेजेंडरी रॉक, आखिर हमें से ढूंढ लिया। क्या लगता है मैं तुम्हें ये देखने दूंगा? दोस्त मैं इसे देख सकता हूँ प्लीज? क्या मिस्टिकल रॉक, तुम मुझे कोई सुपर पावर दे सकते हो? अब तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं है। धोखे बाज तुम। पेपे नहीं।